वृषभ राशि फल 2023 अगर अप्रैल की बात करें तो आइए जानते हैं सभी पक्षों में इनका जीवन किस तरह रहेगा अप्रैल के माह में। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने की शनि की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर भारी रहेगी, जिस कारण पारिवारिक जीवन थोड़ा अनुकूल रहेगा, लेकिन आप अपनी समझदारी से पारिवारिक मसलों को हल करने में सफल होंगे। इसके साथ अगर हम वृषभ राशि के अप्रैल के महीने के अनुसार व्यापार और नौकरी की बात करें तो शनि ग्रह का प्रभाव आपके आर्थिक जीवन पर नहीं पड़ेगा। हालांकि आप अपने काम को लेकर अशांति थोड़ी सी महसूस होती है, मन से दुखी महसूस करेंगे, लेकिन कड़ी मेहनत से आपकी आय में कोई कमी भी नहीं आएगी, वो बढ़ेगी। बाजार में आपको लेकर सकारात्मक माहौल बना रहेगा, आप पहले की अपेक्षा अत्यधिक आय में वृद्धि कर पाएंगे और अगर नौकरी में है तो आपको लाभ होने वाला है। वृषभ राशि का करियर की बात करें अप्रैल के महीने में, शिक्षा की बात करें तो यदि आप कॉमर्स के छात्र हैं तो इस माह संभल कर तैयारी कीजिए। यदि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसको लेकर आपकी बहुत आशाएं हैं तो असफल भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स मेहनत करने के बाद अपनी सफलता पा सकते हैं। वृषभ राशि के जातक, अगर बात करें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए क्षेत्र काफ़ी अनुकूल रहने वाला है अप्रैल का माह। तो अगर आप किसी की परीक्षा दे चुके हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपकी कड़ी मेहनत के बाद आपको उसका रिजल्ट शुभ देखने को मिलेगा। आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होगा। इसके साथ ही अगर हम वृषभ राशि के प्रेम जीवन की बात करें, वैवाहिक जीवन की बात करें, यदि आप अपने जीवन साथी पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं तो रिश्ते में दरार आ सकती है, उनका आपसे मोह भंग हो सकता है। प्रेम जीवन में तनाव रहेगा, आप भी स्वयं को प्रतिबंध महसूस करेंगे, उससे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। यदि आप सिंगल हैं तो इस माह किसी सकारात्मक बातचीत से शुरू होगी, लेकिन पहले ही आक्रामक होने से, यानी थोड़ा सा भड़कने से, थोड़ा सा अड़ियल व्यवहार रखने से आप उस रिश्ते को भी खो बैठेंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि अपने बर्ताव को थोड़ा सा आपको संभल कर चलना होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें वृषभ राशि के स्वास्थ्य से संबंधित अप्रैल का माह कैसा रहने वाला है, तो यह माह स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। माह के बीच बीच में कभी कभी बुखार तो कभी पीठ दर्द आपको या फिर सिर दर्द की समस्या आपकी बनी रह सकती है। ऐसे में सुबह के समय व्यायाम की आदत डालेंगे तो स्थिति बेहतर रहेगी। बीपी के रोगी अपना विशेष ध्यान रखें और बाहर का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि ये ऐसा मौसम होता है जिसमें इस तरह की बीमारियां जरूर आपको जकड़ लेंगी। इसके साथ तो अगर हम बात करें वृषभ राशि के लकी नंबर की, जो अप्रैल के महीने में आपको प्राथमिकता देनी है, तो नंबर 1 को प्राथमिकता दीजिएगा। वृषभ राशि के अगर हम शुभ कलर की बात करें तो आपको गुलाबी रंग को प्राथमिकता देनी है। प्राथमिकता देने का मतलब होता है कि अगर आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, किसी विशेष धार्मिक कार्य के लिए जा रहे हैं, अपने किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो आपको गुलाबी कलर धारण कर जाना होगा। ये आपका लकी नंबर है अप्रैल के माह में, ध्यान रखिएगा। इसके साथ इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, इन उपायों को करेंगे, तो आपके जीवन में जो परेशानियां अप्रैल के माह में हमने बताई हैं, ये बिल्कुल निरर्थक साबित हो जाएंगी, मतलब कि इनका दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग आवश्यक है। 10 मिनट के लिए ओम मंत्र का जाप, कपालभाति, और 20 मिनट के लिए रोज रात को शांत एकांत में होकर अपने रूम में अपने इष्ट देवता का ध्यान जरूर कीजिएगा, उनके समक्ष अपनी परेशानियां रखिएगा। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना अनिवार्य है। अगर समस्याओं से निकलना है, दुख से बाहर निकलना है, तो संकट मोचन तो भाई उनका सहारा तो लेना ही होगा। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके आधे से ज्यादा कष्ट तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। ऐसी ही वास्तु टिप्स के लिए, राशिफल के लिए ज्ञान दर्शन चैनल से जुड़ जाइए। हम स्टीक भविष्यवाणी करते हैं पूर्णतः रिसर्च करके, जो संभावनाएं होती हैं, लेकिन उन संभावनाओं को अपने कर्मों के अनुसार बदला भी जा सकता है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।